हमजा आपको आपका कैमरा मिल गया जी, जी, बिल्कुल। क्या इशू था और क्या इन्होंने हेल्प आउट किया आपका? असल में हम लोग रात को यहाँ पे रुके हैं, आप हमारे मैं तो आपके साथ ही था, दो दोस्त है हमारे जो वो पीछे रह गए थे ना, हाँ, तो उनके लिए हम लोग रुके हैं यहाँ से, उनसे हेल्प हेल्प मांगी है, तो उस सूरत में हम लोग यहाँ पे अपना कैमरा भूल गए ना, तो जब भूले हम लोग कैमरा तो हम लोग आगे निकल गए, हमें नहीं याद। वहाँ पहुँचे तो हमें कॉल आई है पुलिस की तरफ से ना, इन्होंने हम लोगों को ट्रेस किए, माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रेन का जो प्रोसेस है, तो वहाँ से हम लोगों को इन्होंने ट्रेस करके हमें हमारे साथ कॉन्टेक्ट किए और हमारा कैमरा हमें वापस कर। ये भाई बहुत अच्छे हैं, हमें यकीन नहीं आता कि हमारी पाकिस्तान में पुलिस इतनी अच्छी हो गई है। हमने हमेशा फॉरेनर्स के बारे में सुना है कि फॉरेन कंट्री में पुलिस इस तरह होती है, इस तरह गाइड करती है, पाकिस्तान में ये देख के बड़ी खुशी होती है। सच में टूरिज्म आपका बहुत अच्छा ये सीन है, अल्लाह आपको और तरक्की दे और इस मुल्क के लिए और मेहनत। आपके अलावा भी हमें गिलगित में लोग मिले, उन्होंने हमें काफी अच्छे से गाइड किया, इवन के मोटिवेट किया है कि आप लोग जाओ, रास्ता सेफ है, इस तरह का कोई इश्यू नहीं है, वहाँ की पुलिस टूरिज्म पुलिस। तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारा कैमरा, ये कोई 70-80 हजार रूपये का हमारा नुकसान हो जाता, उससे हमारी बचत हो गई है, शुक्रिया। टूर भी खराब हो जाता हमारा ना, हाँ लोग हैं यहाँ पे, अगर गिलगित बल्तिस्तान की किसी भी जगह में आपका कोई चीज रह जाता तो जी आपको मिल जाता, जरूर मिल जाता, आपके पीछे आपको ट्रेस करने के लिए आपको ढूंढ के दे देते। क्या बात है, इंशाल्लाह आप पूरे गिलगित बल्तिस्तान में घूमे और बगैर टेंशन के। थैंक यू सो मच सर। इनका ये मैसेज है हमारे लिए, सबके लिए, इवन के फॉरनर्स के लिए भी, कि जीबी बिल्कुल सेफ है टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के लिए यहाँ जो भी आता है, इवन के यहाँ पे मैंने जो चीज फील की है वो ये है कि सोलो गर्ल अगर वो भी आ जाती है ना घर से घूमने, तो उसको भी कोई इश्यू नहीं है। यहाँ की मेंटेनेंस सारा इदारे इस तरह काम कर रहे हैं ना कि सब कुछ मेंटेन है। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।